मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन कोलांचल से उनका लगाव हमेशा बना रहा। कोलांचल आकर वो खुश भी होते थे और यहाँ के मिक्स्ड कल्चर से प्रभावित भी रहते थे। इसी साल 15 मार्च को धनबाद के यूनियन क्लब में आयोजित हिंदी साहित्य विकास परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे थे और लोगों को जी भर के हंसाया था। आज जैसे ही उनके नहीं रहने की सूचना आई, कोयलांचल के लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए और दुख व्यक्त करने लगे। अधिकांश लोग उनके साथ बिताए अपने पल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे। राजू श्रीवास्तव का आज दिल्ली एम्स में निधन हो गया। बता दें कि पिछले 1.5 महीने से वो बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। राजू श्रीवास्तव को कॉमेडी किंग के नाम से भी जाना जाता था। एक टीवी सेलिब्रिटी होने के साथ ही साथ वो भाजपा के नेता भी थे। बता दें कि 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद पूरे देश भर में उनके फैंस के द्वारा उन्हें जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना की जा रही थी। कई जगह पर यज्ञ भी किए गए, लेकिन 1.5 महीना संघर्ष करने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था और करीब 1.5 महीने संघर्ष करने के बाद आखिर में मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने 21 सितंबर को अपनी आखिरी सांसें ली। वैसे तो उन्होंने अपने कॉमेडी के दौरान कई तरह के अलग अलग किरदार निभाए रहे, लेकिन उनका एक किरदार गजोधर हमेशा से खूब चर्चा में रहा। यही वजह रही कि आज उनके जाने के बाद उनके सभी चाहने वाले, जिनको उन्होंने हंसाया गुदगुदाया था, आज उन्हें रुलाकर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, धनबाद।